वहीं राजस्थान के कोटा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी देते हुए एसआई कुंदन कुमार ने बताया कि बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला आदर्श कुमार कोटा की एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। मंगलवार रात्रि उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। वहीं युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मामले की जांच की जा रही है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। कल दिनांक 20/3/2024 को फोन पर सूचना आई थी कि इसमें सुभाष नगर सेकंड में हॉस्पिटल के पास एम्बुलेंस है, उसमें एक लड़के ने फांसी लगा ली। इसकी उम्र, उसका नाम आदर्श कुमार है, पिताजी का नाम विजय कुमार है, जो समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है। इसको एसएचओ साहब लोकेश कुमार जी, मैं और हमारे थाने का स्टाफ गया, जिन्होंने उसकी मतलब पंखे से कमरा खोला। कमरा खोलने के बाद में उसकी मृत्यु रिकॉर्डिंग करी और पंखे से लटका हुआ को नीचे उतार करके लेके वहाँ से एम्बुलेंस में लेके और सिटी में शिफ्ट कराया। यहाँ पे क्या करता था कोटा में? कोटा में ये 2.5 साल से करीब से रहा है, उसी जगह पे रहा है। नहीं, किस में काम करता था? काम करता था ये, कोई प्राइवेट जॉब करता था।